नमस्कार, आप सब लोगों की तरफ से बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही है कि सर कट ऑफ हाई जाएगी और अब आपको पता भी चल गया कि कट ऑफ हाई ही आई है। अगर आप देखें तो पीआरटी के लिए कट ऑफ आई है 67। अगर उसके पेपर को देखें, पेपर के नेचर को देखें, तो आप पाओगे कि 67 नंबर पाना अपने आप में एक मुश्किल टास्क था। ये कोई कम नंबर नहीं है 67। और अगर टीजीटी की देखें तो टीजीटी में तो कट ऑफ 74 गई है एसएसटी की। हाँ, ये अलग बात है कि पीजीटी में अगर देखें तो, क्योंकि हमें पहले से ही पता था पीजीटी में इतने कैंडिडेट भी नहीं है, जितना कि जॉब थी उससे कम ही कैंडिडेट थे, इसलिए वहाँ पर कई जो कट ऑफ है काफ़ी कम गई है। जैसे कि केमिस्ट्री है, उसकी केवल और केवल 39 ही कट ऑफ गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लेकिन अब ये कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई है, उसके पीछे एक चीज़ तो पता चल रही है। ये पता चल रहा है कि बाहर के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। आपको पता है पीआरटी में 70,000 वैकेंसी थी, और 70,000 वैकेंसी में आप यकीन मानोगे तो मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, 18,000 बाहर के राज्य के बच्चे हैं जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में जो अपने आप को यहाँ पे एनरोल कर पाए हैं, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। तो बाहर के 18,000 बच्चे हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा गई है। ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ऐसा क्यों हुआ है। और जो बिहार शिक्षा आयोग जो कह रहा था कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं देखें तो वो सही भी होता है। और आपने देखा होगा कि जब आप कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ में बहुत सारी जगह निल लिखा हुआ है, एनए। आप गौर करें कभी पूरी पूरी लिस्ट को देखो, एनए लिखा हुआ, एनए का मतलब होता है निल, यानी वहाँ पर योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा चांस है अब भी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी भी खाली हैं, वैकेंसी भरी नहीं गई हैं और बहुत सारी पोस्ट अभी खाली रह गई हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और जिनके नंबर नहीं आए उनके लिए मेगा सूची भी आएगी, तो वो भी ज़्यादा चिंता ना करें, उनके भी सिलेक्शन होंगे। और जिनके सिलेक्शन ना हो पाए वो अगले एग्ज़ाम की अभी से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो पहला पेपर था आप उतना ही वेट कर लें और फिर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तुरंत उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो चले, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। मैं हूँ राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट या होने वाले सुपर स्टूडेंट, और अब आप बन चुके हैं सुपर टीचर। तो चलिए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन जिन जिन के सिलेक्शन हुए हैं, और कोई भी जिनके सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल उदास ना हो, मेगा सूची आने वाली है। धन्यवाद।